गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर टीचर नाजिम अगुल एंड टुडे, आई बी टीचिंग यू ग्रैनीस फैबलेस किचन व्हिच इज़ चैप्टर नंबर फोर फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी बच्चों ग्रैनीस फैबलिस किचन एक छोटी सी कहानी है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है जिसे सब रस्टी बुलाते हैं रस्टी अपनी नानी से बहुत प्यार करता था और उसकी नानी भी उसे बहुत चाहती थी जब भी रस्टी को छुट्टियाँ मिलती वो अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए नानी के पास आ जाता ग्रैनीज फैबलेस किचन इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बरास्किन बॉन्ड और रस्टी रस्टी लव्ड हिज ग्रैनी वेरी मच एंड शी लव टू वेन एवर रस्टी गॉट वो ही स्टेड विद हिज ग्रैनी नानी एक बहुत ही बेहतरीन खानसामा थी बहुत ही मज़े मज़े के खाने मिठाइयाँ चटनियाँ अचार वो बड़ी ही महारत से बनाती थी ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड शी लव टू कुक हर किचन वॉज फैबुलस। एंड वॉट मेड इट फैबुलस ऑल दैट केम आउट ऑफ इट करीज पाइज पिकल्स चटनीज एक्स्ट्रा नानी का एक माली था और उसका बेटा मोहन रस्टी का बहुत ही अच्छा दोस्त था वो इकट्ठा खेलते पेड़ों पर चढ़ते खूब सारी मस्ती करते ग्रैनी अ गार्डनर हु मोहन फॉज रस्टीज फ्रेंड दे प्लेट टुगेदर एंड क्लाइम ट्रीज एक दफा सर्दियों के मौसम में जब नानी के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे तो रस्टी और मोहन ने मिलकर घर घर जाए जाकर नानी के हाथ के बने अचार और दूसरी चीजें बेची उन्होंने मेजर क्लार्क को भरवा मिर्चियाँ बेची वन विंटर वन ग्रैनीस फांस फॉर लो रास्ट्री एंड मोहन वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सेलिंग पिकल्स एंड फॉर हर मेजर क्लार्क बॉट स्टफ्ड चीज उन्होंने मिस कैनर को अदरक का मुरबा बेचा अचार नींबुओं का मिस्टर दत्त को और प्याज का अचार मिस्टर हरि को इस तरह से रस्टी और मोहन ने बीस से तीस रुपए तो झट से कमा ही लिए दिस सॉल्ट प्रिजरवड जिंजर टू मिस कैनर एंड पिकल लेमंस टू मिस्टर दत्त मिस्टर हरि बॉट पिकल्ड अनियंस रस्टी एंड मोहन अर्न ट्वेंटी टू थर्टी रुपीस फ्रॉम द सेल्स अंकल कैन जो कि नानी के भतीजे थे अक्सर क्रिसमस पर उनके साथ रहते थे और टर्की का ज्यादातर हिस्सा चटकर जाते थे वो एक बहुत ही आलसी इंसान थे जो अक्सर शिकायत करते थे देहरा में काम की कमी की अंकल कैन हु वॉज ग्रैन इज निफ्यू ऑफन स्टेड विद हर फॉर द क्रिसमस एंड इट मोस्ट ऑफ द टर्की ही वॉज अ लेजी गाय हु ऑलवेज कम्पलेन अबाउट नो जॉब्स इन दहरा इवेल्युएशन हु इज मोहन मोहन कौन है ग्रैनी इज़ अ ग्रेट डॉक्टर और कुक ग्रैनी एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है या कुक

उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा थैंक यू होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर